संघ के अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में कुछ महानुभावों ने प्रश्न पूछे हैं। आप हैं श्रीमान यूनुस मोहानी जी, मौलाना साहेब कासमी जी, डॉक्टर अशोक दिवाकर जी, मोहम्मद सोहेल खान जी, सुकेश रंजन जी, अंकित कुमार सिंह जी, डॉक्टर भरत अग्रवाल जी, डॉक्टर एस सरकार जी एवं भूपेंद्र चौबे जी। आपके प्रश्न हैं, अल्पसंख्यकों को जोड़ने के विषय में संघ क्या सोचता है। बंच ऑफ थॉट्स में मुस्लिम समाज को शत्रु के रूप में संबोधित किया गया है, क्या संघ इन विचारों से सहमत है। संघ को लेकर मुस्लिम समाज में जो भय है, वह उसे कैसे दूर करेगा। अल्पसंख्यक, इस शब्द की परिभाषा अभी स्पष्ट नहीं है अपने यहां। जहां तक रिलीजन, लैंग्वेज, इसकी संख्या का सवाल है, अपने देश में वो पहले से अनेक प्रकार है, लेकिन हमने कभी स्वतंत्रता के या अंग्रेजों के आने के पहले अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग नहीं किया। हम सब एक समाज के थे, एक माल में मिलकर चलते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि दूरियां बढ़ी है, तो मैं विचार करता हूँ अल्पसंख्यकों को जोड़ना ऐसा नहीं, अपने समाज के बंधुओं को जो बिखर गए हैं उनको जोड़ने की बात, क्योंकि भाषा भी परिणाम करती है ना। अल्पसंख्यक है यानी आप अलग है, हम अलग है, हमको जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? जुड़ने से कल्याण होगा। इसलिए कल्याण नहीं होगा तो एक दूसरे को छोड़ देंगे क्या? अरे भाई, हम एक देश की संतान है, भाई भाई जैसा रहे। तो इसलिए अल्पसंख्यक के बारे में ही, अल्पसंख्यक इस शब्द के बारे में ही संघ के रिजर्वेशन है। संघ इसको नहीं मानता, सब अपने हैं और दूर गए तो जोड़ना है, इस भावना से हम बोलते हैं। और मुस्लिम समाज में अगर इसके बारे में भय है तो कल मैंने बात की है, उस बात पर मत जाइए, आप आइए संघ को अंदर से देखिए। जहां जहां संघ की अच्छी शाखा है वहां अगर पास में मुसलमान बस्ती है तो मैं आपको दावे के साथ बताता हूं, उनको वहां ज्यादा सुरक्षितता महसूस होती है। और इसलिए आप देखिए, हमारा आह्वान राष्ट्रीयता का है, जो भारत के मुसलमानों की, ईसाइयों की, सबकी परंपरा है, उस परंपरा का है, उसके प्रति गौरव का है, मातृभूमि के भक्ति का है, वही हिंदुत्व है। बिना कारण भय मन में क्यों रखना, एक बार आके देखिए, बात करके देखिए, संघ के कार्यक्रमों में आइए, देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या बात होती है। मेरा तो अनुभव है, जो जो आते हैं उनके विचार बदल जाते हैं। आप आइए देखिए, और हमारी कोई बात गलत है या आपके विरोध से प्रेरित है तो फिर हमको पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है संघ में। सही बात है, सही बात आपको पसंद नहीं आएगी तो भी हम बोलेंगे, परंपरा से, राष्ट्रीयता से, मातृभूमि से, पूर्वजों से, हम सब लोग हिंदू है, ये हमारा कहना है और ये हम कहते रहेंगे। उस शब्द को हम क्यों नहीं छोड़ते, कल मैंने बताया है। लेकिन इसका मतलब हम आपको अपना नहीं मानते, ऐसा नहीं, हम आपको अपना मानने के लिए ऐसा कह रहे हैं। किस आधार पर हम आपको अपना माने, वो पंथ संप्रदाय नहीं है, भाषा नहीं है, जात कुछ नहीं है, मातृभूमि, संस्कृति, पूर्वज ये है, उन पर हम जोर देते हैं, उसको हम अपने राष्ट्रीयता के घटक मानते हैं। इसलिए आकर देखिए। अब रही बात बंच ऑफ थॉट्स की, तो बातें जो बोली जाती है वो परिस्थिति विशेष, प्रसंग विशेष के संदर्भ में बोली जाती है, वो शाश्वत नहीं रहती है। एक बात तो यह है कि गुरुजी के जो शाश्वत विचार है उनका एक संकलन प्रसिद्ध हुआ है, श्री गुरुजी मैन एंड मिशन, ठीक है, व्यक्ति और कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व, हाँ, विजन एंड मिशन। उसमें तात्कालिक संदर्भ से आने वाली सारी बातें हमने हटाकर उनके जो सदाकाल के लिए उपयुक्त विचार है वो रखे हैं, उसको आप पढ़िए।
उसमें आपको ऐसी बातें नहीं मिलेंगी। दूसरी बात है कि संघ ये बंद संगठन नहीं है कि डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ वाक्य बोल दिए अब उन्हीं वाक्यों को लेकर हम चलने वाले हैं। समय बदलता है, संगठन की स्थिति बदलती है, हमारा सोचना आर्टिकुलेशन ये भी बदलता है, और बदलने की परमिशन डॉक्टर हेडगेवार से हमको मिलती रही है। नहीं तो डॉक्टर हेडगेवार पहले दिन बता देते कि अपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाना है, शाखा शुरू करो। उन्होंने एक भी चीज नहीं बताई, विचार बताए, तरुण कार्यकर्ताओं ने प्रयोग किए, जो उचित लगा वो रखा, जो नहीं लगा वो नहीं रखा, और संघ ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो आप संघ को एक बंद संगठन मानकर विचार करते हैं तो आपको बंच ऑफ थॉट्स में क्या लिखा है उससे शंका उत्पन्न होती है। मैं कहता हूं आज आप संघ के कार्यकर्ता क्या क्या कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव लीजिए, वो क्या सोचते हैं कैसे, इसका अनुभव लीजिए, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी।